हालेलुया, हालेलुया। क्या आप खुश हैं? परमेश्वर ने हमको अब तक जीवित रखा है, परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवन में दिया है कि हम उसकी आराधना करें, कि हम उसको धन्यवाद दे सके, उसकी महिमा कर सके, उसकी स्तुति कर सके। आइए इस दिन का लाभ उठाते हुए परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया, सच में उसकी आराधना करना कितना ही सुंदर है, जो सृष्टि करता है, जो जीवित है, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमें जीवन देता है, जो हमें चलाता है, उसका स्तुति करना, उसको महिमा देना कितना ही अद्भुत है। आइए प्यारों, हम मिलकर आवाज उठाकर उसकी महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद है, शांति है, चंगाई है, क्षमा है और छुटकारा है। आइए हम परमेश्वर को महिमा दें, उसके नाम को उठाएं। हम मिलकर के गाएंगे, जब मैं देखता हूँ पवित्रता तेरी और जब देखता सुंदरता तेरी, तो परिस्थितियाँ मेरे चारों ओर की तब तेरी ज्योति में एक छाया समान बन जाती है, लेकिन तेरी उपस्थिति मुझे घेर लेती है, सारी परिस्थितियाँ एकदम नकार सी हो जाती है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति उन सारी परिस्थितियों पर कब्जा लेता है और हमें उसकी उपस्थिति में ले जाता है और सब कुछ भुला देता है और वह हमारी सारी परिस्थितियों को अच्छा बनाता है। आइए हम मिल करके प्रभु को महिमा देते हुए कहें। जब देखता हूँ सुंदरता।
किसी का मकसद हो सकता है बड़ा नाम कमाना। लोग मेरे आगे पीछे घूमे लेकिन आज मैं अपने प्रभु से यह कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मेरे जीने का मकसद सिर्फ तू है, क्योंकि मेरा सच्चा धन तू ही है, तेरे पास ही है। प्रियो, क्या आज आप कहेंगे आपका मकसद क्या है? आपका मकसद क्या है? जो सच्चा है, जो जीवित है, जो अनंत जीवन देता है, जो आपके और मेरे लिए इस दुनिया में आया है। अगर आपका मकसद यीशु के लिए जीना है तो मेरे पीछे गाइए, मैं करता स्तुति।
जीवन की रोटी है, यीशु जीवन का जल है। हाँ यीशु, जब से आप मेरे जीवन में आए हो, मेरे जीवन को आपने बदला है। हाँ यीशु का धन्यवाद करिए। यीशु हमें उस सत्य मार्ग पर लेकर आया, यीशु हमें अंधेरे से उजाले की ओर लेकर आया, यीशु ने हमारे पापों को क्षमा किया, यीशु ने हमें शैतान के हाथों से छुड़ाया है। अब वही मेरा जीवन का जल है, वही मेरे जीवन की रोटी है। आइए कहें, जीवन की रोटी तू ही है प्रभु। लेकिन यीशु, तू बड़े प्रेम से मुझे छुड़ाने के लिए आया और तू मेरे अंधेरे जीवन में, नाशमान जीवन में, निराशामय जीवन में ज्योति लेकर आया, उद्धार लेकर आया, आशा लेकर आया। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें प्रियो। जीवन में बहुत बार हमने निराशाओं का सामना किया है, लेकिन यीशु ने उन सब निराशाओं में से निकाला है। जब हम आशा विहीन थे, जब हमारे पास कोई आशा नहीं थी, तब यीशु हमारे लिए आशा ले गया। कितनी बार ऐसा भी समय आया होगा जब आपने सोचा होगा, ये जीवन किसी काम का नहीं है, इसको मैं खत्म कर देता हूं। लेकिन प्रियो, तब यीशु के प्रेम ने आपको बचा लिया और शैतान की इच्छा पूरी नहीं होने पाई। शैतान तो चाहता ही है कि आप और मैं खत्म हो जाए, नाश हो जाए, दुख में पड़कर अपने आप को खत्म कर दे। लेकिन यीशु चाहता है कि आप और मैं जीवन पाए और अनंत जीवन पाए,
भरपूरी का जीवन पाए, और इसीलिए यीशु आया। पक्षपात नहीं करता, बाइबल का वचन ऐसा कहता है कि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। चाहे आप गरीब हो या चाहे आप अमीर हो, यीशु के नजरों में आप समान ही हैं, क्योंकि हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। तो यीशु की उपस्थिति हमें घेर लेती है। हालेलुया, वही सारे आदर और मान के योग्य है, वही स्तुति और आराधना के योग्य है। जब हम यीशु की उपस्थिति में होते हैं, जब हम स्तुति और आराधना करते हैं, तो सब प्रकार के बंधन टूट जाते हैं, दीवारें गिर जाती है। हालेलुया, इसलिए क्यों ना हम आनंद से उसकी स्तुति करें। चाहे आज आप किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन आज विश्वास से स्तुति करिए कि सब प्रकार की परिस्थितियों को आज यीशु उठाने वाला है। सब प्रकार के बंधन यीशु के नाम से आज टूटने वाली है। सब प्रकार की रुकावटें, सब प्रकार की दीवारें आज यीशु के नाम में, उसकी उपस्थिति में ढा दी जाने वाली है। आमेन, हालेलुया। अपने घर में जहाँ कहीं भी है, ताली बजाकर उसका धन्यवाद कीजिए और मेरे साथ इस गीत में जुड़िए। स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा, स्तुति आपकी करते हैं। करते हैं आराधना के।
निराशाएं हट जाती है, क्योंकि वो यीशु की उपस्थिति में खड़ी नहीं रह सकती। बंधन टूट जाते हैं, क्योंकि शैतान यीशु की उपस्थिति में खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए आज मैं भी बल पाकर यीशु के गीतों को गाऊंगा, और आज मैं सब प्रकार के परिस्थितियों से चंगाई पाकर, छुटकारा पाकर आज यहाँ से जाने वाला हूँ। विश्वास के साथ आज कहिए, नाम जहां लेते हैं, इसलिए
जैसा इस जग में और कुछ भी नहीं है। प्रभु तेरा वचन कहता है जहां पर मेरे नाम से दो या तीन इकट्ठे होंगे वहां पर मैं उपस्थित होऊंगा। प्रभु आज तू अपने वचन के अनुसार हमारे मध्य में उपस्थित है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति में रहना कितना ही अद्भुत है। तेरे साथ साथ चलना कितना ही अद्भुत है। प्रभु तेरे चरणों में मुझे शांति मिलती है। तेरे वचनों से मुझे शांति मिलती है। क्योंकि एक तू ही है जिसने मेरे लिए सोचा, जिसने मेरे लिए उद्धार की व्यवस्था की, जिसने मेरे लिए छुटकारे की व्यवस्था की, जिसने मुझसे अनंत प्रेम से प्रेम किया, जो मेरे अकेलेपन का साथी बन गया, जो मेरी बीमारी में मेरा छुटकारा बन गया। मेरी तंगाई और मुसीबत में वो मेरा छुटकारा बन गया। कर कहिए प्रियो, यीशु हमारे मध्य में उपस्थित है। यीशु हमारे मध्य में उपस्थित है। अपनी आवाज को उठाकर कहिए, आज मैं आजाद हूं, सब प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिल गया हूं, सब प्रकार की परिस्थितियों से छुटकारा यीशु के नाम में है। ओ हालेलुया, यीशु के नाम में सब कुछ संभव है। यीशु के नाम में ही संभव है। यीशु के नाम में ही संभव है। आज आपको कुछ भी असंभव लग रहा है, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, कैसी भी परिस्थितियां हो, आज कहिए यीशु के नाम में सब कुछ संभव है। यीशु के नाम में सब कुछ संभव है। हालेलुया। कई लोगों का कहना ऐसा होता है कि हमारी स्थिति क्यों बदलती नहीं है, क्यों वैसे का वैसा हमारा जीवन है, क्यों क्यों हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते, ये करते, वो करते, संगति में जाते, इधर जाते, उधर जाते, क्यों परिस्थितियां बदलती नहीं है। पर प्यारो, हम बहुत कुछ बाइबल के वचनों से सीखना चूक गए हैं। प्यारो, आज का जो गाना ये हम गा रहे हैं, यहाँ लिखा है कि बीमारियाँ मिटती है जहाँ यीशु स्तुति होती है, निराशा हटती है जहां यीशु की हुजूरी है। लिखा इसलिए मैं आज बल पाकर जय के गीतों को गाऊं, इसलिए मैं चंगा होकर आज यहां से जाऊं। हम ये स्टेंजा गा तो रहे, यहां से हम बोल रहे और आप सब लोग जुड़ रहे हो। पता नहीं कितने लोग अपने मन से जुड़ रहे हैं, किसी का आधा मन है, कहीं बाहर है। प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है क्यों हमारी स्थितियां बदलती नहीं है। जब पौलुस और सिलास को मारा गया भीड़ के बीच में, उनके कपड़े खींच खींच कर फाड़ दिए, उतार दिए और उनको बहुत मारा गया, नहीं वहाँ पर उनको कोठरी में रख दिया और उनके पांव काठ में ठोक दिए गए। ऐसी स्थिति में भी जिसमें पब्लिक का मार खाया था, सिर पांव हाथ मुंह, नहीं हर एक जगह कहीं ना कहीं उनको पेन, उनकी पीड़ा थी। पर उस पीड़ा में प्यारो उनका मन कहाँ था। देखिए, कई बार हमारा मन हमारी बीमारी और समस्या में ही रह जाता है, उससे हटाकर यीशु की ओर ले जाने में हम चूक जाते हैं। यहाँ लिखा है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। उनका मन परमेश्वर की महानता पर था। प्यारो, उन्होंने अपना मन प्रभु कैसा है उस पर लगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि आज हमें बहुत मार पड़ी है और हम जेल में आ गए,
व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा, क्या मालूम हमें क्या सजा हो, क्या मालूम हमारी आधी जिंदगी इसी में कट जाए, क्या पता क्या पता, ये हो वो हो, हर बुरे परिणाम की संभावनाएं वहां थी, पर वो उस पर ध्यान न देते हुए परमेश्वर की महानता की ओर देख रहे हैं, और वो क्या करते हैं, भजन गा रहे हैं। प्रभु ने वहां पर अपना काम किया, हम सभी लोग जानते हैं, बार बार हम इसको नहीं पढ़ना चाहेंगे, पर यहां वहां पर उनके बंदी गृह के दरवाजे खुल गए, प्यारे भूकंप आया, प्रभु ने उनको बाहर निकाला, प्रभु ने अपने लोगों के लिए राहें खोल दी, प्यारे दीवारें गिर गई, बंधन टूट गए, इसीलिए क्योंकि यीशु कौन है, परमेश्वर कौन है, उसकी ओर सच्चे आराधक अपने मन को लगाते हैं। सच्चे आराधक सिर्फ गाना गाते नहीं है, सिर्फ नाचते कूदते नहीं है, सच्चे आराधक परमेश्वर की महिमा करते हैं हर परिस्थितियों में, हर आफत में, हर तंगी में, हर बेकारी में, हर बेरोजगारी में, हर एक समस्या में, हर एक बंधन में, सच्चे आराधक परमेश्वर की महानता पर अपने ध्यान को ले जाते हैं। क्या आप अपने मन को सच में हर परिस्थिति में प्रभु की ओर ले जाते हो? क्यों हमारे जीवन में से बंधन टूटते नहीं है, क्यों दीवारें गिर नहीं रही है, क्यों हमें झूम झूम कर नाचने का मन नहीं हो रहा है, क्यों बीमारी दूर नहीं जाती है, क्यों निराशा हटती नहीं है, क्यों चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहे? क्योंकि स्तुति का स्थान हमारे जीवन में नहीं है, और स्तुति का स्थान तभी हो सकता है कि जब हम हमारे परमेश्वर को जाने समझे, क्योंकि स्तुति वो है जो हम यीशु हमें कुछ दे और हम बदले में दे, वो नहीं है, यीशु परमेश्वर हमें कुछ भी दे या ना दे पर फिर भी हमारे होठों के फल का अर्पण हम चढ़ाते हैं, उसके गुणों को हम गाते हैं, उसका गुणानुवाद करते हैं, यह स्तुति है प्यारों। हालेलुया, प्रभु अनुग्रह दे प्यारों हमें कि हम दीवारें गिरे ना गिरे, बंधन टूटे ना टूटे, पौलुस और सिलास की तरह उसकी महिमा गाते रहे। देखिए बंधन परिस्थितियां कब बदल जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा, पर एक बात जरूर होगी, उस बंधन और उस परिस्थितियों में से प्रभु की ऐसी महिमा होगी कि लोग उनकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी, ऐसा हमारा महान प्रभु है। हालेलुया, हाँ परमेश्वर पिता, हम सिर्फ आपसे बल पाकर ही आगे बढ़ सकते हैं, हर परिस्थितियों में, हर समय आपकी बल आपकी सामर्थ से हमें तरोताजा करते रहिए, हम कभी पीछे हटे नहीं, परिस्थितियां कभी हमें झुका ना पाए, मैं तेरी उपस्थिति में चलता रहूं, ऐसा होने दीजिए। यीशु के चरणों में ही शांति है, यीशु की आत्मा में ही, यीशु में ही हम सामर्थ पा सकते हैं, उसी में हमें सामर्थ मिलती है। आइए हम कहें, यीशु मैं तेरे करीब आता हूँ, और करीब आऊँ, और करीब आऊँ, तुझसे और सामर्थ पाऊँ, बल पाऊँ, शांति पाऊँ। सच में यदि कोई अपने आप को निराश महसूस कर रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से कोई अपने आप को बहुत ही दुखी महसूस कर रहा है, कोई बहुत तकलीफ में है, मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि आज यीशु आपके हृदय को उसकी अद्भुत शांति से भर देगा। आज आप यीशु से
बल और सामर्थ्य पाओगे, क्योंकि वो प्यारो वो आपके आंसुओं को देखकर चुप खड़ा नहीं रह सकता। आपको तकलीफ में देखकर वो हाथ बांधे खड़ा नहीं रहता। आज यीशु की तरफ अपने हाथों को बढ़ा दीजिए, यीशु की तरफ अपने हाथों को बढ़ा दीजिए। वो आपको खड़े करना चाहता है, वो आपको गले लगाना चाहता है, वो आपसे प्यार करता है। अपने आत्मा
यीशु में यही है कि उसने हमें अनंत जीवन दिया है। अब हम नाश में नहीं जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह के साथ हम अनंत तक रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसने आपके और मेरे उद्धार के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, मेरे और आपके पापों को अपने लहू से धोया है। अब मुझे उसने अपने लहू से खरीदा और मोल लिया है। हालेलुया। आइए मेरे साथ कहिए और धन्यवाद दीजिए उसको। तरोताजा किया है, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए।
उसने अपनी शांत अपने शांति से भरा है, उसका धन्यवाद कीजिए। एक बार फिर से यीशु ने आपको आज याद दिलाया है कि आप वो आपसे कितना प्यार करता है। उसने आपको और मुझे छुड़ाने के लिए अपने आप को बलिदान किया है, उसने आपको और मुझे छुड़ाने के लिए अपने आप को इस धरती पर लाया। धन्यवाद कीजिए, आप अकेले नहीं है, आपके जीवन के इस लड़ाई में आप अकेले नहीं है, यीशु आपके साथ है। आप कह सकते हैं यीशु मैं अकेला नहीं हूं, आप मेरे साथ हैं, हर समय मेरे साथ हैं। भले निराशाएं आएगी लेकिन यीशु मेरे लिए जय भी लेकर आएगा। भले शैतान कुछ भी करे आपको दुखी देखने के लिए, लेकिन शैतान तो हारा हुआ है, शैतान हारा हुआ है। प्रियो देखिए, यीशु ने उसको क्रूस पर हराया है, वो हारा हुआ है। आज उसको अपने कदमों में देखिए, शैतान हारा हुआ है, यीशु ने आपको जय दिया है, अब तक जय देता आया है यीशु। अब हार मत मानिए, बड़ी विजय आपकी राह देख रही है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सच में प्यारो, उसके पास हमें बिठाया गया है, उसने हमें छुड़ाकर गुलाम की तरह दरवाजे पर कोई कोने में नहीं बिठा दिया है प्यारो, उसने अपने पास बिठाया है प्यारो। ये हमारे परमेश्वर की महानता है, ये हमारे परमेश्वर का बड़ा दिल और असीमित प्यार है प्यारो, जिसके बारे में आपने और मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना उच्चतम जीवन वो हमें देगा। सच में प्यारो, उसने जो जीवन दिया है वह इस सांसारिक जीवन की तुलना में बहुत बहुत उच्चतम है। उसकी तुलना में ये संसार का जीवन कुछ भी नहीं है। संसार में संकट है, मुसीबत है, पर वही यीशु कहता है कि मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। सच में प्यारो, हमारे जीवन में जब तूफान होते हैं, शांति केवल यीशु के पास जाते ही हमें मिलती है, उसके चरणों में ही मिलती है, क्योंकि वो ही शांति का राजकुमार है। ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। और कौन है जो ऐसी शांति दे सके जो वर्णन से बाहर हो, जो किसी उसकी शांति ऐसी है कि जो कोई मनुष्य अपने ज्ञान से टटोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता है, ऐसी अवर्णित शांति वो देता है। सही में प्रभु, आपके पास ही हमारे जीवन की शांति है। तुझे छोड़कर तो हम तूफान में ही रह जाए और कहीं के ना रहे और खो जाए प्रभु, पर हम कभी खो न जाए, इसलिए तूने हमें चुन लिया और अपना बेटा बनाया और हमें वरदानों से भरकर आपकी महिमा का पात्र बना दिया। हमें हम क्या थे और क्या बन गए प्रभु, सच में प्रभु हम कहां थे, किसके दास थे और क्या क्या न जाने करते रहते थे, जो संसार में अंधकार की ताकतों में फंसे हुए लोग करते हैं, पर प्रभु तूने हमें उन तुच्छ कामों से छुड़ाकर तेरे स्वर्गीय कामों को करने योग्य बना दिया। हमें हमने तुझे चुना नहीं, ना हमने वो काम चुना, पर तूने हमें चुना और तेरे कामों के लिए अलग कर डाला प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। सच में हमारे अंधकार में जीवन में यीशु जगत का उजाला ज्योति तू बनकर आ गया और हमारा जीवन प्रकाशित किया प्रभु। दुनिया वाले समझे या ना समझे, पर प्रभु हम बखूबी जानते और समझते हैं कि तूने हमें चुना है, क्योंकि हमारे उद्धार के लिए तूने बड़ी कीमत चुकाई है अपनी कुर्बानी देकर प्रभु, और अपने पास बिठा दिया है। थैंक यू लॉर्ड, उस महान कीमत के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। स्टेंजर
बगैर कोई म्यूजिक के हम गाएंगे, मुझ पापी को तूने चुन लिया। अगर आपको लगता है सच में कि प्रभु ने आपको चुना है, ये लगने वाली बात नहीं है प्यारों, हर एक विश्वासी को प्रभु ने चुन लिया है। वचन यह सिखाता है, कोई आकर बोले और कोई आपके लिए भविष्यवाणी करे तो ही आप चुने हुए लोग हो, ऐसा नहीं है। प्रभु के वचन के अनुसार हम उसके शरीर के अलग अलग अवयव हैं और शरीर के अवयव कभी बेकार नहीं होते हैं, वो प्रभु की महिमा के लिए प्रभु के शरीर में कार्यरत रहते हैं। हालेलुया। मुझ पापी को तूने चुन लिया, अपने आत्मा का वरदान है दिया। मुझ पापी को तूने चुन लिया, अपने की स्थिति हमें तुझसे दूर ना ले जाने पाए। प्रभु आज मैं और हम एक ऐसा वर मांगते हैं कि हम सदा तेरे उपस्थिति में चलते रहे, पाप पर, शैतान पर, उसकी युक्तियों पर जय पाते हुए चलते रहे और अंत में तूने जो हमारे लिए ठहराया है उस मुकुट को पाए। ऐसा होने दे पवित्र आत्मा, आप हमारे सहायक हो, हमारे साथ हो, यीशु के संग से चलने में मदद करो। आज के ये समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आप हमारे मध्य में हो, हम सारा आदर, मान और महिमा आप ही को देते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में। आमीन। सारी महिमा हमारे प्रभु को मिले, उसकी महिमा यीशु के नाम में।